अभी बैठ जाइए, मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। মোদী আহি উপস্থিত হৈছে ৰাম মন্দিৰত, সেই বিশ্ব বিশ্ব মোদী ৰাম মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যুদ্ধৰ পৰা সেই মুহূৰ্ত বা সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে, ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছেগৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত, আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো মণিপুৰ বা অসমৰ বিভিন্ন বৈদিক বাদ্যযন্ত্ৰৰে মুখৰিত হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ। এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ উপস্থিত হৈছেগৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত। তেওঁ ৰাম মন্দিৰত কিছু সময়ৰ পিছতে প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু প্ৰৱেশ কৰি গৰ্ভগৃহত যি পাঁচজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব, যি গৰ্ভগৃহত ৰামলাল্লাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, শিশু ৰামক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, যি গৰ্ভগৃহৰ যোগেদি ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ পাই উঠিব, সেই গৰ্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিছু সময় পূৰ্বে RSS মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাম মন্দিৰত, নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ অতি মহাৰতীৰ সমাগম ঘটিছে, এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিশেষ বৈদিক যি সংগীত সেয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, সেই সংগীতৰ মাজেদিয়ে এক প্ৰকাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 12:29ৰ পৰা 12:31ৰ ভিতৰতে সেই অভিজিত মুহূৰ্ত, যিটো মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব ৰাম মন্দিৰে। এয়া ৰাম মন্দিৰৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। ফুলেৰে সুসজ্জিত কৰি থোৱা হৈছে এই মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ, আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰতো তেনেধৰণৰ অনুৰূপ দৃশ্য আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। আৰু এয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাম মন্দিৰত, তেওঁ নিৰাপত্তা বিষয়াসমূহ তেওঁৰ পিছফালে আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি আহি আছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত, প্ৰৱেশ কৰি এই মুহূৰ্তত তেওঁ ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं, केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है, गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है, चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव गिरी जी श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, पांच मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है, आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में, प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के, बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूप के रूप में, और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के,
इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृणवंतो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो छह गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छह के छह परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं, इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष, प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का, अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषो। मंदिर भव्य बनाएंगे और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का तर्पण का दिन है, पुत्रों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई तो ये जो पौष मास है अश्विनी वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की प्रकृति की इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं, मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में,
सबसे पहले विष्णु निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वही अमृत भी निकला। के बाद आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है हनुमान, जो कि महाराजा धीराज हैं। आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी, ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी